सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। श्रीमाल जो तूफान है, अभी तक मौसम भवन की तरफ से जो सूचना दी गई है वो बांग्लादेश के जो सुंदरबन के हिस्से हैं वहां पे जाके डायरेक्टली उसका लैंडफॉल देखने को मिलेगा। तो मुश्किल है क्योंकि जो जिस तरह एक तरफ बारिश भी चल रहा है उस तरफ उसके साथ जो तूफानी हवा जो सुबह से चल रहा है उसके बीच ये मैनग्रोव के फॉरेस्ट के किनारे मैं अभी हूँ। जो लोग हैं लोकल, कुछ लोग आसपास के जो गांव के जो लोग हैं और आसपास के किसी शहर से भी जो लोग आए हैं, मैं एक बार उनसे भी बात करूंगा क्योंकि भैया इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कुछ तूफान में इन सब जगह पे बहुत तहस नहस हो चुका था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? इस बार ज्यादा तो नहीं होगा, फिर भी थोड़ा इफेक्ट आएगा इसका। अभी जो दिख रहा है जिसका, अभी देखो अभी ये रिवर है, नदी है, लेकिन इसका जो वेव्स जो आ रहा है, जो उसमें लहर जो हो रहा है, लग रहा है ये समंदर है, इतना इतना सारा दिख रहा है अभी। जय हिंद, मैं इंस्पेक्टर भेरपास सेकंड बटालियन NDRF से। यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाया गया था तो हम यहाँ पहुँच गए, कल शाम को पहुँच गए थे यहाँ पर। तो उसके बाद से हमने आज अपना इक्विपमेंट, जिस हिसाब से हम सामान लाए थे उसको अपने मेंटेन करना था, तो आज सुबह आके सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन किया, क्योंकि जब तक हमारे इक्विपमेंट हैं हम इक्विपमेंट से ही लड़ाई लड़ते हैं अपनी, साथ में हौसले हमारे। तो उसमें क्या है कि जैसे अगर कोई साइक्लोन आता है तो सबसे पहले उसमें हम जितनी कोशिश करेंगे, हमारी प्रायोरिटी है कि किसी भी जान को बचाया जा सके, इसके लिए जिस हद तक भी काम करना पड़े हम लोग करेंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि कल का क्या है, अगर साइक्लोन यहाँ पे इफेक्ट करता है तो उसके बाद क्या है कि जैसे कि हमारे इक्विपमेंट हमने रेडी कर लिए हैं, हमारे जवान रेडी हैं इसके लिए, जिस भी तरह की आपदा आएगी, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो तो हमारे स्पीड बोट्स इसमें तैयार हैं, और अगर कोलैप्स होता है तो हम CSR ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे तैयार हो गया है। इसके अलावा अगर पेड़ वगैरह से टूटते हैं तो उसके लिए भी हम अपने साथ अपने कटिंग इक्विपमेंट लेके आ रखे हैं। हमारी टीम्स वेल इक्विपमेंट है, इक्विप है, जो कि हर संभव फ्लड रेस्क्यू और CSR या किसी भी तरह की आपदा आने पर पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही मान लो सुंदरबन का डेल्टा एरिया है, इस इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी दिक्कत होता है, इस तरह की दिक्कत के सामना करना पड़ेगा क्या? इस तरह का दिक्कत का सामना, ये तो कुदरत है, कुदरत किस तरह से हमारे सामने चैलेंजेस रखती है ये देखना पड़ेगा, और इसका चैलेंज किस हिसाब से दे रही है उसी हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करते जाएंगे। अगर मान लिया रास्ता हमें ब्लॉक मिले तो अपने ब्लॉक को हम क्लियर करते हुए खुद जाएंगे। इसके अलावा कहीं पर भी अगर कोई जवान, हमारा कोई इंसानी या जानवर की किसी की भी जान, जहाँ पे कुदरत की भी दी जान है, उसको बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है, वहाँ कार्रवाई करेंगे। अभी तक यहाँ पर कितना जवान तैनात किया? हमारी पूरी एक टीम तैनात है यहाँ पर, और टीम हमारी पूरी तरह से